को लगा कि शायद अब मुनीबा रोबोट की तरह चल के आएगी, यू नो, एंड जो भी अब मुझे मिला एयरपोर्ट पे भी एक खातून है, उन्होंने कहा तो आप चल के दिखाएं ना, आप खड़े हो जाएं ना. आई सेड ओके, बेसिकली रीवॉक एक ऐसी इन्वेंशन है जिससे यू कैन वॉक, और रोबोटिक लेग्स होती हैं जिसको एक थेरेपिस्ट ऑपरेट कर रहा था. सो व्हेन यू गिव सिग्नल्स टू द रोबोट टू मेक यू वॉक, तो आप चलते हैं, और आपका जो अपर बॉडी होता है उसको आपने अपनी स्टिक्स से बैलेंस करना होता है. इट वॉज वेरी पेनफुल, आई हैड अ लॉट ऑफ ब्रूजेज ऑन माई आर्म्स बिकॉज ऑफ द स्टिक्स. मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क. आप 10 साल के बाद एकदम खड़े होते हैं. इसमें बहुत सी चीज़ें हैं. एक तो ये थेरेपी का हिस्सा है. मेरे पास रीवॉक नहीं है. आई वॉज देयर फॉर सम ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, तो ये उसका हिस्सा था. रीवॉक को हर इंसान यूज़ नहीं कर सकता. उससे पहले यू नो देयर इज अ लिस्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट जिसको क्लियर करना होता है, जिसमें बोन डेंसिटी टेस्ट इज द बिगेस्ट टेस्ट. उसमें ये होता है कि क्या आपकी टांगों में इतना अर्सा बैठने के बाद ताकत है कि वो आपकी बॉडी का वेट बर्दाश्त कर सके. यू नो, अगर आप उससे क्लियर करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको ट्रेनिंग देते हैं. एंड रीवॉक इज समथिंग विच वो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता. उसके लिए आपको बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग और बहुत सारी फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है. आप रीवॉक इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं? रीवॉक या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको चलाने में मदद करती है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ. बहुत से लोगों ने यह भी लिखा कि इतनी महंगी चीज़ है, ये तो शायद इस्तेमाल कर ले, गरीब नहीं कर सकता. नहीं जी, बहुत महंगी है, ये मैं भी नहीं ले सकती. ये कोई भी नहीं ले सकता. लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो नेमत आपके पास इस वक्त है वो है आपकी सेहत. आप जितने भी मशहूर हो जाएं, आप जितने भी पैसे वाले हो जाएं, रीवॉक जितना भी आपको चला दे, इट कैन नॉट गिव बैक व्हाट आई हैड. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो नेमत आपके पास है उसका शुक्र अदा कीजिए. कोई भी चीज़ आपकी टांगों को रिप्लेस नहीं कर सकती. इट वॉज वेरी पेनफुल मेरे लिए. उस पूरे मोमेंट में सिर्फ एक चीज़ बहुत करीब थी, मेरे दोनों भाई मेरे साथ थे. And I stood tall with my brothers after 10 years. And I wish I had my mother there and I wish I had my son there. Magar woh nahi tha. Nahi, because Nile ka school tha. Achha. You know, mere liye us pure moment mein woh wala moment sabse zyada meaningful tha. Baaki main chali, main nahi chali, main aage kya karungi? I think beyond that.